नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। एक गुरु का किसी के जीवन में बहुत अहम किरदार होता है, मगर क्या हो अगर वही गुरु जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। जी हाँ, एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना उत्तराखंड के पौड़ी जिले से सामने आ रही है, जहाँ एक शिक्षिका ने बड़े ही बेरहमी से अपनी एक छात्रा की जमकर पिटाई कर डाली। इतना ही नहीं, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद इसकी पुष्टि शिक्षा विभाग ने की, जहां ये सामने आया कि ये वीडियो पौड़ी जिले के देवला पोखर क्षेत्र का है, जहां गुरु राम राय इंटर कॉलेज में हाल ही में लगे एनएसएस शिविर के दौरान एक छात्रा की स्कूल शिक्षिका ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। आपको बता दें कि सबसे पहले तो शिक्षिका ने छात्रा पर काफी थप्पड़ बरसाए, इसके बाद छात्रा का गला तक शिक्षिका ने दबा डाला। बताया जा रहा है कि उस दिन विद्यालय में पानी की किल्लत होने की वजह से छात्रा बर्तन साफ नहीं कर पाई। जब इस बात की जानकारी अध्यापिका को लगी तो उसने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अध्यापिका छात्रा को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रही है। यही नहीं, छात्रा अपनी दलील दे रही है, जिसके बाद भी अध्यापिका मानने को तैयार नहीं है। छात्रा वीडियो में पानी ना आने की बात कहती दिख रही है, लेकिन अध्यापिका इतनी हैवान बन गई कि छात्रा का मुंह नोचने के साथ साथ गला तक दबाती नजर आ रही है। आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।